वेलकम गाइस, आपका स्वागत है सीए पीयूष मित्तल के इस चैनल में। दोस्तों, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आज इस साल का सबसे बड़ा एक मुद्दा बन के खड़ा हुआ और एक बहुत ही अच्छा पॉइंट हो सकता है, जिसमें कि आप सब देख पा रहे हैं कि जो जनरल कैटेगरी के पर्सन हैं उनको 10% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आज जिन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे तो उसमें जो मोस्ट पॉइंट होंगे वो है आपके कि इस अनाउंसमेंट के फैक्ट्स क्या होंगे, इसमें जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास डिफाइन की गई है उसका मीनिंग क्या है, दैट मीन कि कौन कौन पर्सन इस जनरल कैटेगरी की बैकवर्ड क्लास के अंदर कवर किए जाएंगे। और जो थर्ड पॉइंट होगा वो होगा कि जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसमें क्या बदलाव होने वाले हैं, दैट मीन कि क्या जो अभी 10% कोटा जनरल कैटेगरी क्लास को दिया जा रहा है उससे जो ऑलरेडी 50% का कवरेज है उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देख, हम सबसे पहले बात करेंगे फैक्ट्स की कि आज 7 जुलाई 2018 है, जिसमें कैबिनेट यूनियन में जो उनके चेयर करते हैं जो कि हमारे माननीय श्री प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जिन्होंने आज इस डिसीजन को लेके आए हैं। और इसमें जो कैबिनेट है वो डिसीजन उन्होंने लिया है कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जनरल कैटेगरी के पर्सन हैं उनको 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब ये 10% का जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो किन सेक्टर्स के अंदर दिया जाएगा, इसमें जो है पहला एक है एजुकेशन और दूसरा है जॉब, इन दोनों के अंदर मोस्टली जो 10% का रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा। एजुकेशन सेक्टर की जो बात की जाए उसमें जिस तरह से एसटी एससी और ओबीसी कैटेगरीज के मेंबर्स को यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर एडमिशन दिया जाता है, उसी तरह से जो जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं जिसमें कि वो बैकवर्ड क्लास से इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड रिलेशन रखते हैं उन्हीं को यह प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो यह आर्थिक आधार पर बात करता है। अब जो अगला हमारा पॉइंट है कि जॉब सेक्टर में बात की जाए तो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो डायरेक्ट एडमिशन सीधी भर्तियां होती की जाती हैं उनमें जनरल कैटेगरी के इंडिविजुअल्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। अब दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी है उसके अंदर किन किन जातियों को सम्मिलित किया गया है, इसमें देख सकते हैं अगर हम हिंदू की बात करें तो मोस्टली की ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और जो भी अदर एसटी एससी और ओबीसी के अलावा जो भी हिंदू हैं हो गए, इसमें आपके मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, जैनीज और भी जो अदर धर्म हैं उन सभी को शामिल किया गया है। अब जो प्रेजेंटली रिजर्वेशन कोटा दिया जा रहा है वो क्या है, आप देख सकते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है उसको 15%, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको 7.5% और जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं उनको 27% रिजर्वेशन अभी प्रेजेंटली दिया जा रहा है। हम सीधे सीधे तौर पर बात करें तो अभी तक 100% में से 49.5% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। जितनी भी जॉब्स निकलती हैं, जितनी भी एडमिशन्स होंगे उनका 49.5% रिजर्व कैटेगरी के अंदर कवर किया गया है। अब दोस्तों, सीधे तौर पर अगर बात की जाए 10% की, तो अगर देखा जाए तो जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जिसमें आर्टिकल 14 और 15 के अंदर यह दिया गया है कि यह रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अब इसके लिए जो हम अगले पॉइंट हम अपने आगे वाले पॉइंटों में बात करेंगे कि किस तरह से इसको बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है वो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, कि इकोनॉमी बैकवर्ड पीपल की डेफिनेशन के अंदर किसको कवर किया जाएगा और किसको कवर नहीं किया जाएगा, मतलब कि आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप किसके अंदर कवर होंगे या नहीं होंगे, यह इस डेफिनेशन से काउंट किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहला है कि अगर आपकी टोटल एनुअल इनकम 8 लाख से कम है तो आप इसके अंदर कवर किए जाएंगे। अगर आपका खुद का मकान है और उसकी साइज 1000 स्क्वायर फीट से कम की है तो आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल के अंदर कवर किए जाएंगे। अगर आपकी अपनी खुद की एग्रीकल्चर लैंड है जो कि 5 हेक्टेयर से कम है तो इसमें आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल के अंदर कवर किए जाएंगे। अगर आपका रेजिडेंशियल प्लॉट है जिसकी साइज नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी लिमिट के आधार पर 109 स्क्वायर यार्ड से कम की है तो आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल के अंदर कवर किए जाएंगे। अगर आपका जो रेजिडेंशियल प्लॉट है वो किसी नॉन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी एरिया के आधार पर है
और जिसकी साइज 209 स्क्वायर यार्ड से कम की है तो भी आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल के अंदर कवर किए जाएंगे। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप इसके अंदर कवर किए जाएंगे या नहीं। तो जैसे कि 8,01,000 स्क्वायर फीट, 5 हेक्टेयर, 109 स्क्वायर यार्ड्स और 209 स्क्वायर यार्ड्स के आधार पे यह क्राइटेरिया तय किया जाएगा। आगे चलते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट है कि इस 10% का जो जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, इसका पुरानी रिजर्वेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि एनडीए गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला है कि पुराने रिजर्वेशन से किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, तो ऐसे में जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि 50% का जो रिजर्वेशन है उसको अमेंड करके इसको 50-60% किया जाएगा। दैट मीन कि इससे एसटी एससी और ओबीसी में किसी प्रकार की बदलाव नहीं किए जाएंगे, जो जैसे है वैसे ही पुराने तौर से चालू रहेंगे, सिर्फ 10% को अमेंड किया जाएगा। अब जो 10% को अमेंड करने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन में 50% की जो लिमिट या कैपिंग कर रही है उसको ब्रेक डाउन करके 50-60% के लिए बढ़ाया जाएगा। इसमें सबसे पहले यूनियन कैबिनेट को अपने जो आर्टिकल 15 और 16 है उसको अमेंडमेंट करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में ये दोनों बिल पेश करने होंगे और 2/3 मेजोरिटी से इसको पास करना जरूरी होगा। जहाँ तक इसमें समझा जाए कि लोकसभा में अपनी एनडीए गवर्नमेंट एक पूरे बहुमत के साथ होने के कारण इसमें आराम से पास तो कर जाएगी, लेकिन राज्यसभा में इसका क्या होगा, राज्यसभा में क्या पास कर पाएगी, इसके लिए मोस्टली कल मीन 8 जनवरी को इसमें जो विधेयक रखा जाएगा उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। अगली जो बात की जाएगी कि जो लास्ट में इसे कौन, दैट मीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पेश किया जाएगा और उनसे उनकी सहमति ली जाएगी। इन तीनों दौरों से गुजारने के साथ इस बिल को पास किया जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।